सरहदों को मुस्तहकम करना वफाकी हकूमत के फराइज में तो है, लेकिन वफाकी हकूमत तनहा नहीं कर सकती, इसमें सबको अपना किरदार अदा करना है। हमने पंजाब हुकूमत के लिए 1.5 लाख टन चीनी जो है हम इम्पोर्ट कर चुके हैं और इसकी जो कीमत है 10 से 15 रुपए किलो जो है वो कम होगी। वो ऐसे लोग हैं जो गैर मुनासिब मुनाफा खोरी चाहते हैं। गंदुम चीनी है, कीमतों में इजाफा जखीरा अंदोजों ने किया। हुकूमती वज़रा कहते हैं कीमतें जल्द मामूल पर आ जाएंगी। चारों सूबों को गंदुम रिलीज करने की हिदायत की है। कराची की सदर मोबाइल मार्केट में मोबाइल ठीक न होने पर शहरी का शिकवा महंगा पड़ गया। मजाहमत पर लड़ाई के दौरान कुहले का गोला और पांव की हड्डी टूट गई, उम्र भर माजूरी का खदशा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज की नस्ल कुशी जारी, मजीद 3 नौजवान शहीद कर दिए। इंसानी हकूक के अलमबरदार कब बोलेंगे, मासूम कश्मीरी मुंतजर। हमारी बका अमन और समाजी और मुआशी तरक्की में है, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान असलहे की दौड़ में बचना चाहता है। फलस्तीनी अथॉरिटी की गर्ब उर्दन में 2000 से ज्यादा नए मकानात की तामीर के इसराइली ऐलान की मजम्मत, आलमी बिरादरी से फौरी मुदाखलत की अपील, तामीर रुकवाने का मुतालबा। चीफ सेलेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मैं छोड़ने जा रहा हूँ, तो ऐसी कोई चीज नहीं है, बिल्कुल मेरा अपना एक चॉइस है कि इस तरीके से मैंने जाना है और आगे पाकिस्तान की क्रिकेट पे और पाकिस्तान टीम पे फोकस करूँ। बेसबॉल हक का चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ने का ऐलान, कहते हैं किसी दबाव पर नहीं जाती वजूहात के बिना पर ओहदा छोड़ रहा हूँ, कोचिंग पर फोकस करना चाहता हूँ। और मुल्क भर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान, कराची में दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री तक जाएगा। श्रीनगर, जम्मू, बारामूला और लद्दाख में भी मौसम खुश्क रहने की पेशगोई।